दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। अच्छा लगा? जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों की स्माइल देख के उनके साथ खेल के बहुत ही मजा आता है, दिल को एक सुकून मिलता है ना। लेकिन दोस्तों इस बच्चों के साथ खेलने में, उनको देखने में जितना मजा आता है, उतना ही मजा उनके बारे में जानने में आता है। क्योंकि जब आप बच्चे थे तब आपने क्या क्या किया था, क्या महसूस करते थे, कैसी आदतें थे, वो आपको तो अभी याद नहीं होगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको छोटे बच्चों के बारे में कुछ ऐसी हकीकत, ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली एक इंसान की बॉडी में कितनी हड्डियां होती है, कितने बोन्स होते हैं, इसके बारे में तो शायद आपको पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक एडल्ट इंसान की बॉडी में जितनी हड्डियां होती है उससे 60 हड्डियां ज्यादा, 60 बोन्स ज्यादा होते हैं एक पैदा हुए बच्चे के अंदर। तो हम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में से कहीं से थोड़ा सा ब्लड निकल जाए तो हमें उतनी चिंता नहीं होती। लेकिन बच्चों की बॉडी में से देखना बिल्कुल भी ब्लड कहीं बह ना जाए, क्योंकि पता है बच्चों की बॉडी में कितना ब्लड होता है? एक नॉर्मली पैदा हुए बच्चे के अंदर सिर्फ एक ग्लास जितना ब्लड होता है। साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तब कुछ महीनों तक वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही पहचान पाता है, उसको किसी और कलर में पहचान ही नहीं होती, यानी कि वो सिर्फ देखता है ब्लैक एंड व्हाइट। दोस्तों इस दुनिया में जितने भी दिमाग के डॉक्टर्स हैं, यानी कि न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि पैदा होने के बाद कुछ सालों तक, उनको नींद में कोई भी ख्वाब नहीं आते। कभी कोई छोटे बच्चे के साथ खेला है? आपने जरूर खेला होगा और उसको गोदी में उठा के मिरर के सामने, आईने के सामने जरूर ले गए होंगे और फिर आपने बताया होगा, देख देख बिटू कौन दिख रहा है मिरर में, है ना। लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट कहते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद 18 महीने तक मिरर में अपने आप को नहीं पहचान सकता। तो बच्चों के बारे में हुई एक स्टडी कहता है कि जो भी बच्चा पैदा होने के बाद 9 महीने तक रेंगना शुरू नहीं करता, यानी कि घुटनों के बल जमीन पे चलना शुरू नहीं करता, तो वो बच्चा पूरी जिंदगी में, उसकी पूरी लाइफ में कुछ नया सीखने में हमेशा लेट रहता है। क्या आपको पता है कोई भी छोटा बच्चा, उसके चखने का टेस्ट, चखने की ताकत उसको कब मिलती है, यानी कि कुछ भी वो चीजें खाता है तो उसको टेस्ट कब आने लगता है? दोस्तों साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तभी उसकी टेस्ट करने की शक्ति आ जाती है, यानी कि उसकी माँ जो कुछ भी खाती है वो बच्चा पेट में बैठे बैठे टेस्ट कर सकता है, और माँ जो कुछ भी पसंद करती है खाने में, ज्यादातर वही सारी चीजें बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद पसंद करता है। दोस्तों कुछ मजेदार बात भी कर लेते हैं। दोस्तों कोई बच्चा, छोटा बच्चा रोता है तो उसको शांत करने में आपको कितना वक्त लगता है? शायद आप खुद उसको शांत कराते कराते रोने लगोगे, राइट? दोस्तों लेकिन आप इंडिया में हो इसलिए आप बहुत लकी हो, क्योंकि एक इंटरनेशनल सर्वे ऐसा कहता है कि ब्रिटेन, कनाडा और इटली में पैदा हुए बच्चे बहुत लंबी देर तक रोते हैं। दोस्तों क्या आपको बॉलीवुड की हीरोइन कैटरीना पसंद है? होगी ही। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अमरीका में और इंग्लैंड में, यूएस और यूके में कैटरीना नाम बहुत फेमस है, वहाँ की बहुत सारी लेडीज के नाम कैटरीना होते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि अमेरिका में एक बार कैटरीना नाम का एक बहुत बड़ा तूफान आया था। दोस्तों आपको पता है ये तूफान आने के बाद 85% लोगों ने कैटरीना नाम हटा दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत कुछ नया जाना होगा, आपको ये वीडियो जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट, कौन सी जानकारी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके सामने लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच।